ज़्यादा अगर आप एक कुछ लाइन सुन रहे होंगे तो वो लाइन है यूपी में काबा। तो आज मैं आपको उसी से संबंधित चीज़ें दिखाऊंगा, यूपी में किसान बात। जी हाँ, आज मैं किसानों से बात करने आ पहुँची हूँ लखीमपुर खीरी के विधानसभा के श्रीनगर क्षेत्र, जहाँ आप देखेंगे कि इस छोटे से समझदारी गांव में जो ये सभी किसान हैं, ये किसान किस तरह से मेहनत करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, जो चुनाव चलने वाले हैं, इन चुनाव में इन किसानों का क्या हाल है, क्योंकि ये आप और हम सभी जानते हैं कि अभी देश में देश को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किसानों की मदद मिल रही है। इनसे ही जानेंगे कि आप बताइए हमें कि आप इस बार चुनाव में कौन सी सरकार चाहते हैं। कौन सरकार क्यों आखिर ऐसा बीजेपी ने क्या किया है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, किसानों को पैसा भी देती है, गल्ला भी देती है, हर चीज़ भाई अच्छा अच्छा हो रहा है। हाँ। और भाई गुंडागर्दी हट गई, जगह जगह पे कहीं पे खतरा भी नहीं है, सिर्फ अतिन परेशानी है जो जानवर छुपता है। थोड़ी सी कमी है जानवरों की, थोड़ी सी कमी है जानवरों के लिए। तो सुविधा तो मिलना चाहिए, सुविधा मिल रही है। जो पुराने बूढ़े हैं जानवर, इनका कहाँ भाई छोड़ो जाए, इनका कटवा कर जाते हैं तो सुकून रहे। अब जैसे खेतन पात्र छोड़ दो, सब नुकसान होते हैं चारी बार से, रात दिन रातों महीना खेत बताओ। हम लोग सरकार से कोई कहा नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा, लेकिन जानवरों से नुकसान। सिर्फ बात अत्यंत जानवरों वाली है। देखिए जो ये बैलगाड़ी इस वक्त मैं इस पर ही खड़ी हूँ, और जो यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं ये सभी इसी बैलगाड़ी से दूर दूर तक जो है गन्ने लेकर के जाते हैं। इसी बैलगाड़ी से गन्नों को लेकर ये लोग जाते हैं। तो ऐसे में इन्हें चाहिए कि सरकार किसी तरह की इन्हें सुविधा दिलाए, ताकि जो है जैसे इन्होंने कहा कि जानवरों से इन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, अगर उन्हें चोट लग जाती है तो इनका काम ठप हो जाता है। ऐसे में इन्हें गाड़ी और ट्रैक्टर दिलवानी चाहिए। हमारे साथ और भी चाचा मौजूद है, आप बताइए, आप एक किसान हैं, अभी कुछ दिन पहले ही लखीमपुर में ही किसान नाराज नज़र आ रहे थे मुख्यमंत्री से, फिर आपको कौन सी सरकार चाहिए? सरकार भाजपा की अच्छी है, और हम वोट हमेशा, जब से हम वोटर बने हैं तब से हम भाजपा की हुए, जीते या न जीते वो तो अलग की चीज़ है। हाँ। लेकिन इस सरकार से फ़ायदा है, और इसके साथ साथ बस नुकसान जानवरों वाला है, और इससे सभी फायदे इतना ही है, बाकी सभी फायदे हैं। हम लोग चाहते भी हैं और जानवरों का जो है ये प्रतिबंध किया जाए, ये सब हम लोगों का बड़ा नुकसान करते हैं फसलों को, और हम लोग रात दिन बचाव रहते हैं, यही इतना ही मतलब हम लोगों को उनसे, मुख्यमंत्री जी से यही हम लोगों को अनुरोध है कि जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय सोचे, बाकी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इस सरकार से, बस इतना ही हम लोग परेशान है जानवरों की। देखिए मैं इस वक्त ऐसे स्थान पर खड़ी हूँ लखीमपुर खीरी, जो कि पूरे देश में यहाँ के किसान सबसे प्रसिद्ध है, इन्हीं के किसानों के द्वारा देश को लाभ मिल पाता है। इन्हीं किसानों से जानेंगे कि अभी जो बजट पास किया गया है उसमें किसानों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं दी गई है, तो किस तरह से आपको क्या लगता है कि सरकार की इसमें कोई रणनीति है, वोट बैंक है या क्या परेशानी? बस यह है जो खाना खा आवो तब वह तब चाचा किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो? वोट देवो उनका ही, मोदी के अलावा बीजेपी के अलावा किसी की नहीं देगी वोट। लेकिन मोदी जी ही तो थे जो जिनके फैसले से खुश नहीं थे आप लोग अभी कुछ दिन पहले किसान बिल को लेकर। हम खुश नहीं हैं निखिल, आज समय पर खुश हैं जब हमारी मदद हुई यार, बारिश फिर एक गल्ला दे रहे हैं। यह जौन है हरहन वाली, यह सुविधा बनाई दे, हम लोग उनसे बाहर नहीं। क्या क्या मदद हो रही सरकार द्वारा?
सब कुछ होते इतनी होना चाहिए कोटा दे महीना में गांव गल्ला दे पे गल्ला देती अब बिन पैसा तब रहे पैसा तब आए और सब हर चीज दे चुके हो योगी मोदी आए तब से अति गुंडागर्दी खत्म हो गई आपको तुमको लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है गुंडागर्दी खत्म हो गई है अब कट करके पादिस टाइम चाहता है उतने टाइम अपने यातायात के लिए चल देता है वैसे बड़ा थे जहां बजे थे उसी टाइम इन लोगों को आना जाना बंद हो जाता था और जानवर खोल के काट दिए जाते थे मैम बस करिए कट जबरदस्ती ये करते थे कि जानवरों उनसे खुश है आप किसानों के लिए किया जा रहा है काम कर रहे हैं किसानों के लिए क्या कर रहे हैं अरे वो काम तो करते हैं लेकिन वो पूंजीपत हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं अपने ही किसानों के लिए नहीं क्योंकि किसान जो है बहुत सूक्ष्म है हल्का पतला है थोड़ा बहुत और ये सब पूंजीपत हैं इसमें काश्तकारों को छोटे छोटे काश्तकारों का नुकसान होता है अब ये अगर चाहते हैं किसानों को तो ये पेमेंट क्यों नहीं दिला रहे हैं जो कि मुलायम की सरकार से बंद हुआ था ये सबसे बड़ी कमी इन्होंने अखिलेश ने क्यों बिजली में भाग लिया था और क्यों छोड़ दिया कर उनका कौन भोगेगा हम लोग इसीलिए मिल के द्वारा से बहुत परेशान हैं हम लोगों को मिल नहीं रहा है वेतन दो साल मतलब हो चुके हैं काश्तकारों को सभी पेमेंट पड़ा हुआ है हम लोग इसी से बना लियो अच्छा बना लियो तो देखते हैं यहाँ पर जो है इनका कहना है कि कैसे भी सरकार हो कहिका वोट देवे नहीं कहिका वोट देने वाले हैं क्या मोदी को देवा कहिका हां क्यों भाई काहे देहा मोदी कहिया का सुविधा मोदी दे रहे और उनका गल्ला दे दे हां अच्छा खाली गल्ला ही पर रुक जाओ का लाभ मिला है हां काम का लाभ बताओ हां लाभ बात कर लो बात कर लो हमें लाभ मिलो और कब दे रहे हैं गल्ला देते हैं और क्या क्या गुंडागर्दी कैसा है लेकिन कह रहे हो कि मोदी को वोट देंगे योगी जी को जिताएंगे गौ हत्या तो हो ही रही है यहाँ पर हाँ तो हो रही है कोई कुछ ना कहा भी है कुछ है योगी जी से कुछ है योगी जी की सरकार चाहते हैं हाँ अच्छा और कहे दूसरा सरकार कहे नहीं चाहते हो सरकार बनाई है तब ऐसा बोल तब सरकार बनाई दो और का अच्छा बीजेपी कोई बनाएगी क्या क्या लाभ मिल रहा है राशन मिल रहा है क्या क्या सुविधा उज्ज्वला हां बताओ जो जो तो गवर्नमेंट देते है वो बताओ गैस सिलेंडर मिलो तो है और शौचालय घर सब देने शौचालय चलिए मैम बारिश हो रही है और ये जो ले जा रहे गाय के लिए चारा वाला दिया जाता है हां तो चलिए ठीक है किसान है महिला हो या पुरुष हो सभी इस वक्त बीजेपी के द्वारा किए गए काम से खुश है और सभी लोग चाहते हैं कि इस बार एक बार फिर से योगी की सरकार हो जिस तरह से जो डिमांड चल रही है जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्लोगन चल रही है कि जनता मांगे फिर से योगी की सरकार देखना होगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार बन